हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हो, इस वीक के स्मैकडाउन में तो रोमन रेंस ने रिवेंज ले लिया ड्रू मैकइंटायर से, बट इनके क्लैश एट द कैसल में होने वाले अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच से रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। एंड आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सोलो सिकुआ के मेन रोस्टर डेब्यू के बारे में, इसके अलावा रोमन रेंस के न्यू कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी डिटेल्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस के न्यू कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो आप सब जानते ही हो, रोमन रेंस हमें हेल इन अ सेल का पेपरव्यू मिस करते हुए दिखे, रोमन रेंस हमें मनी इन द बैंक का पेपरव्यू मिस करते हुए दिखे। इसके अलावा बहुत सारे स्मैकडाउन में भी वो हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, तो इसका रीजन यही है कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ किया है कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन। सो इसी चीज पर बात करते हैं रोमन रेंस रिसेंटली हुए इंटरव्यू में, जहां पर उन्होंने ये कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं हर पेपरव्यू में नहीं होने वाला, लेकिन हां, जिसमें मैं हूंगा वो जरूर से मेजर पेपरव्यूज होने वाला। जिसके बाद उन्होंने इस बात को श्योर करते हुए कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो चार मेजर पेपर भी होते हैं उसमें तो वो होने वाले, साथ ही साथ साउथीज में वो कंपीट करने वाले, एंड ऑफ कोर्स वो टीवी शोज में भी हमें जरूर से देखने को मिलेंगे, यानी कि स्मैकडाउन में, जहां पर वो सपोर्ट करेंगे स्टोरीज को बिल्ड करने में। तो गाइस, आप सब कह सकते हो रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट पहले की तरह नहीं है कि वो हमें सारे पेपर व्यूज में कंपीट करते हुए दिखने वाले, वो बस हमें अब मेजर पेपर व्यूज में कंपीट करते हुए दिखेंगे। अब देखा जाए तो ये एक तरह से सही भी है, बिकॉज रोमन रेंस जब भी कंपीट करेंगे देन वो बिग फाइट वाली फील देने वाली है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ रोमन रेंस लॉन्ग रन तक भी काम कर सकते हैं, जो कि हम सब चाहते भी है। सो रोमन रेंस तो इस कॉन्ट्रैक्ट से काफी ज्यादा खुश है। वैसे आप सबको रोमन रेंस का पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बेटर लगता है या फिर अभी वाला, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए सोलो सिकुआ के मेन रोस्टर डेब्यू के बारे में। देन आप सबको पता है सोलो सिकुआ पर सभी की नजर है, बिकॉज सभी को ऐसा लग रहा है कि जब भी वो मेन रोस्टर में आएंगे देन वो ब्लड लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रिकीसी जो कि उनके फादर है, उन्होंने इस बात को 200% कंफर्म कर दिया है कि सोलो सिकुआ जरूर से ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। बट एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कि सोलो सिकुआ का डेब्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर में काफी जल्द करवाने के बारे में सोच रही है, एंड मे बी उनका डेब्यू हमें मेन रोस्टर पर नेक्स्ट मंथ सेप्टेम्बर में देखने को मिल सकता है। सो आप सब कह सकते हो सभी इस चीज पर इंटरेस्टेड है कि आखिरकार ट्रिपल एस सोलो सिकुआ को किस तरह से बुक करने वाले, क्या वो हमें रॉ में जाते हुए दिखेंगे या फिर स्मैकडाउन में, एंड अगर वो स्मैकडाउन में जाते हैं देन क्या वो ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं। वैसे गाइज, आप क्या सोलो सिकुआ को ब्लड लाइन ज्वाइन करते हुए देखना चाहते हो या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। अब नेक्स्ट बात कर ली जाए अपने क्लैश एट द कैसल में होने वाले मेन इवेंट मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। तो इस मैच के लिए सभी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, स्पेशली इस वीक के स्मैकडाउन के बाद, जहां पर रोमन रेंस ने अपने लास्ट वीक के अटैक का बदला लिया ड्रू मैकइंटायर से, एंड उन पर स्टील चेयर वगैरह सबसे अटैक किया, उन्हें गिलेटिन में जड़ा स्पीयर लगाया, और उन्होंने ये कहा कि वो इस इंडस्ट्री को रन कर रहे। सो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड तो है क्लैश एट द कैसल के पेपर व्यू के लिए, जिसे होने में बस अब एक हफ्ते बचे है। और आप सबको बता दो इस मैच से रिलेटेड कई सारी मल्टीपल अपडेट्स निकल कर आई है। सबसे पहली, जो हम सभी को लग रहा था कि अगर कैरियन क्रॉस ऐड नहीं हुए इस मैच में तो मे बी वो इंटरफेयर कर सकते रोमन एंड ड्रू के मैच में, बट अपडेट्स ऐसी है हमें कैरियन क्रॉस पार्ट नहीं होते हुए दिखने वाले क्लैश एट द कैसल के पेपर व्यू का। इसके बाद जो सेकेंड अपडेट है इस मैच से जुड़ी, वो काफी ज्यादा मेजर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर के मैच का विनर डिसाइड नहीं किया, वो पॉसिबली हमें क्लैश एट द कैसल के दिन ही या फिर उससे एक दिन पहले डिसाइड करते हुए दिखने वाली है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हम सब जानते ही है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी तरह से क्लियर होते कि रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाकर ले जाना है रेसलमेनिया में, सो उन्हें विनर डिसाइड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें कुछ सरप्राइज दे सकती है। एंड सरप्राइज से बात चली रही है, देन एक और अपडेट है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में फैंस को सरप्राइज करने के लिए तीन और ऑप्शन कंसिडर कर सकती है, जिसमें से सबसे पहले है टाइसन फ्यूरी, सेकंड है ऑस्टिन थ्योरी, एंड थर्ड उन्होंने हिम लिखा है, यानी कि फिंड ब्रेवाट, यानी कि या तो यहाँ पर हमें फिंड ब्रेवाट का रिटर्न देखने को मिल सकता है या फिर यूके की क्राउड को खुश करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर टाइसन फ्यूरी की इन्वॉल्वमेंट दिखा सकती है। एंड जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था, बॉक्सिंग से अब टाइसन फ्यूरी हो चुके हैं रिटायर, यानी कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लगभग पूरे चांसेस है। वहीं ऑस्टिन थ्योरी का तो आप सब जानते हो, समर स्लैम में काफी ज्यादा टीज हो रहा था कि वो कैश इन करने वाले, बट उनका कैश इन हो नहीं पाया बिकॉज ब्रॉक लेसनर ने पहले ही उन पर कर दिया अटैक। लेकिन हर डब्ल्यूडब्ल्यूई थ्योरी को शोज में बुक तो कर रही है, बट वो अब हमें टीज करते हुए नहीं दिख रहे कि क्लैश एट द कैसल में वो करने वाले हैं कैश इन। सो मे बी क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें सरप्राइज देते हुए दिख जाए एंड वो हमें अपनी मनी द बैंक कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिखे कैश इन रोमन वर्सेस ड्रू के मैच में, जिसका फायदा उठाकर या तो ड्रू मैकइंटायर बन सकते चैंपियन या फिर ऑस्टिन थ्योरी सभी को शॉक कर बन जाए अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन।
एंड यस, जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी कहा था कि पॉल हेवन पर जरूर से नजर रखने की जरूरत है, बिकॉज जब भी उनका रिटर्न होगा देन या तो वो रोमल रेंस की हेल्प करने के लिए आ सकते हैं या फिर उन्हें टाइटल हरवाने के लिए। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि अब जब एक हफ्ते बचे क्लैश एट द कैसल के पे-पर-व्यू को होने में, देन आपको क्या लगता है हमें क्लैश एट द कैसल से एज अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन कौन बाहर निकलते हुए दिखेगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।